नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग सक्सेस में। सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे हर एक। और इसी के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिए यूट्यूब चैनल को, और जो बेल आइकन वाला बटन है उसको भी दबा लीजिए, ताकि उसको दबा के रखेंगे तो आपके जैसे भी जो भी न्यू वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और ये चैनल है जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग से जुड़े फैक्ट ही आपको बताए जाते हैं। बैंकिंग से जुड़े यानी जितने भी रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं वो सारे बैंकिंग से होती हैं। तो जितने भी बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन वाला बटन दबा के रखिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट आए, जो भी न्यू रिजल्ट्स आए, जो भी न्यू वैकेंसीज आए तो आपको अपडेट मिल जाए सबसे पहले। तो चलिए आज जो अपने बात करने जा रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB PO क्लरिकल 2019 की वैकेंसी आ चुकी है। फॉर्म किस डेट से अप्लाई करना चाहिए, लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है। आज 1 तारीख हो चुकी है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 4 दिन यानी 4 जुलाई लास्ट है। तो देख लीजिए 1 से 4 इतना ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो वो फॉर्म अप्लाई कर दीजिए 3 तारीख से पहले पहले, यानी 4 तारीख को साइट्स का कुछ भी अपने कह नहीं सकते। अगर लास्ट ईयर की मैं बात करूँ साइट्स की, वैसे तो देखा जाए तो IBPS की साइट कभी हैग वगैरह होती नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। पर लास्ट ईयर मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लास्ट ईयर फॉर्म भरे गए थे RRB क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के, तो वहाँ पर दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत ये थी कि लास्ट दिन जो भी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे थे उनका या तो डिक्लेरेशन अपलोड नहीं हो रहा था, या साइन अपलोड नहीं हो रहे थे, या उनका थम इंप्रेशन है वो अपलोड नहीं हो रहा था। अगर किसी का अपलोड हो रहा था तो वो प्रिंट आउट जैसे आप निकला रहे थे तो प्रिंट आउट के अंदर आपका शो नहीं कर रहा था। तो ये सारे ग्लिचेस जो आते हैं, तो इनसे बचने के लिए आपको सिर्फ एक ही रास्ता है कि फॉर्म आप 3 तारीख से पहले पहले अप्लाई कीजिए। अगर लास्ट दिन जाके आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये ग्लिचेज, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो ना हो, मान लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है, आपका डिक्लेरेशन वहाँ पे अपलोड नहीं होता सही तरीके से, तो फिर वो चीज़ें जो आप मेहनत कर रहे हो वो सारा का सारा डेडिकेशन आपका जो है वो कुछ काम का नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप फॉर्म ही सही अच्छे से अप्लाई नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा है मेहनत करने का, क्या फ़ायदा है 18-18 घंटे पढ़ने का, जब आपका फॉर्म ही सबमिट नहीं होगा अच्छे तरीके से। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार छोड़ के एक बार आप फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि मैटर यही करेगा। जहाँ से आप अच्छे से फॉर्म फिल कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें मैटर करेगा, ना कि आपकी पढ़ाई मैटर करती है। अब लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के साथ होता है कि उनका डिक्लेरेशन अपलोड नहीं हुआ था, अपलोड हो गया तो उनका जो प्रिंट आउट आता है उसके अंदर डिक्लेरेशन प्रिंट नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो फेसिंग प्रॉब्लम होती है, तो इनसे बचने के लिए आप 3 तारीख से पहले फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब बात आती है कि सर कौन से स्टेट से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो खुद का स्टेट, जो जिस भी स्टेट से आप आते हो उस स्टेट से अप्लाई कीजिए, चाहे उसकी कट ऑफ कितनी भी जाती हो वो मैटर नहीं करता। पर जो आपका एक स्टेट होता है, क्योंकि RRB जो है वो रूरल बैंक है, ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे अगर आप दूसरे स्टेट्स के अंदर फॉर्म फिल करके अप्लाई करते हो तो वहाँ की एक तो आपको रूरल लैंग्वेज आनी चाहिए, तो वो तो 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है, तो वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। क्योंकि रूरल लैंग्वेज आना भी, अगर हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप किसी भी स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो लगभग 6 मंथ का टाइम आपको दिया जाता है, तो आप 6 मंथ के अंदर उसको कवर कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर दिक्कत ये आती है कि देखिए दूसरे स्टेट के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलती है और गाँव के अंदर ज्वाइनिंग मिलती है, क्योंकि RRBs तो गाँव के अंदर ही होंगे, गाँव के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी तो अपने स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जाकर जॉब करना बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये बात आप भी समझते हो। और जो स्टूडेंट्स पहले से कैंडिडेट सेलेक्टेड है उनसे हमारी बात होती रहती है कई बार, तो वो स्टूडेंट्स भी ये सारी चीज़ें बताते रहते हैं कि सर उस टाइम अगर हम खुद के स्टेट से फॉर्म अप्लाई करते और अच्छे से प्रिपरेशन, इतनी प्रिपरेशन के अंदर अपने खुद से स्टेट के अंदर हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम पेपर निकाल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। यानी मान लीजिए किसी स्टेट की अगर कट ऑफ 70 में से 70 जाती है, जैसे लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश की गई थी RRB क्लरिकल की प्रीलिम्स की, और PO की जो 60 नंबर के राउंड जाती है, तो यहाँ पे लोग जो भी हिमाचल के वो सोचेंगे सर बाहर फॉर्म फिल किया जाए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा आई जाती है और हमें जॉब चाहिए जो कि मिल नहीं पाएगी। तो देखिए अगर आप मान लीजिए आपने बाहर फॉर्म फिल कर दिया, गोवा या कहीं और भी जगह जहाँ जो आपसे बहुत दूर है उस जगह पर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पर आपको जॉब मिल जाता है, और वहाँ के गाँव में जाके फिर आपको जॉब करनी पड़ती है, फिर आप घर पर भी नहीं आ सकते। अगर 2 डेज़ का हॉलीडेज मिलता है तो उसके अंदर भी आप घर नहीं पहुँच पाते हो, तो वो सारी चीज़ें फिर एक ग्रामीण बैंक के अंदर रहकर आपको एक गांव के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आती है आपके सामने, तो वो सिर्फ और सिर्फ जॉब मिलना ही, एक ये नहीं है कि आप RRBs के अंदर सिर्फ जॉब पा लोगे तो उसके बाद आप सब कुछ कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जॉब पाना ही एकमात्र रास्ता नहीं है इसका, उसके बाद भी बहुत सारे वर्क्स होते हैं जो आप नहीं कर पा सकते, तो वो चीज़ें आपको एक बार सोचना पड़ेगा और उस पर आपको वर्क्स करना पड़ेगा कि सर किस स्टेट को भरा जाए तो कौन सी प्रायोरिटी रहेगी। और एक बात और बता दूं कि जो भी स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि सर हम एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाएं उसके बाद दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे और अपने होम स्टेट में फॉर्म अप्लाई कर देंगे, देखिए ये बहुत कम रेयर चांसेज है। किस्मत एक बार ही साथ देती है, बार बार साथ नहीं देती, ये बात भी आपको पता है। अगर एक बार आप सिलेक्टेड हो जाते हो तो उसके बाद इतना टाइम आपके पास नहीं रहता कि आप बार बार प्रिपरेशन करो, इतना टाइम नहीं रहता कि आप जो अब आप एकदम फ्री हो, जो भी स्टूडेंट्स अब फ्री होकर कोचिंग्स वगैरह कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उन पर किसी की तरह का प्रेशर नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेशर ये कि एग्ज़ाम कैसे निकाला जाए,
सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे आपका डेडिकेशन टिका हुआ है। जब आप रूरल एरियाज के अंदर रहोगे तो वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ऑनलाइन स्टडी करना चाहोगे, आप कोचिंग्स वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपका बैंक का टाइमिंग होता है 9 से आपका 5 बजे तक। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप फॉर्म जो है वो अच्छे से भरे और उस स्टेट को सिलेक्ट करें जो आपके रिलेवेंट हो। मान लीजिए आपके कोई भी अगर स्टूडेंट हरियाणा से है, अगर वो पंजाब या पंजाब फिल कर रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्टेट्स एकदम नज़दीक है और छोटे छोटे स्टेट है, इतने ज़्यादा बड़े स्टेट्स नहीं है, तो आप पंजाब से हरियाणा के अंदर एक दिन के अंदर कवर अप कर सकते हो। तो वो चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप जम्मू कश्मीर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जम्मू और पंजाब का जो और हरियाणा ये तीनों रिलेवेंट है क्योंकि यहाँ से आप आ भी सकते हो जा भी सकते हो, वन डे जर्नी है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बहुत ज़्यादा दूर फॉर्म फिल, आप कर्नाटका फॉर्म फिल कर रहे हो, वहाँ पे जाने में 48 घंटे लगते हैं, तो आप सिर्फ जाने आने में रहोगे इतने में आपकी हॉलीडेज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती। अब बात करते हैं कि सर कट ऑफ का कितना ज़्यादा रोल रहता है और वैकेंसी का कितना ज़्यादा रोल रहता है जिस भी स्टेट से फॉर्म फिल करना चाहते हैं। देखिए कट ऑफ किसी भी स्टेट की कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मान लीजिए लास्ट ईयर हिमाचल प्रदेश RRB क्लर्क की कट ऑफ 77 गई थी, ठीक है, और PO की लगभग 57 के राउंड गई थी। तो ये कट ऑफ जरूरी नहीं है इस बार इतनी जाए, कुछ भी डिपेंड नहीं है। इस बार हो सकता है हिमाचल के अंदर इतने ज़्यादा फॉर्म ना भरे जाए तो कट ऑफ जो रहेगी वो आपकी 60 के राउंड भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें प्री डिफाइंड नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है पेपर पे, वैकेंसी पे। अब देखिए जो अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूँ तो दो स्टेट बहुत ही अच्छे स्टेट हैं उनके लिए जहाँ पे कट ऑफ हर साल कम जाती है और हर साल कम ही जाती है वहाँ पे। एक तो स्टेट है गुजरात, बहुत सारी वैकेंसीज है गुजरात के अंदर इस बार, और कट ऑफ मैं आपको बता दूँ कम जाएगी क्योंकि वैकेंसीज ज़्यादा है। स्टूडेंट वहाँ पे कितने चले जाए कोई दिक्कत नहीं है उसे, पर वैकेंसीज ज़्यादा है उसके अंदर। अब OBC कैटेगरी के लगभग वैकेंसीज, अगर जनरल की बात करूँ मैं गुजरात की, तो जनरल कैटेगरी के OBC की जो सॉरी अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए गुजरात क्लरिकल की, तो वहाँ पे लगभग 190 के राउंड पोस्टें हैं। अब 190 के राउंड अगर पोस्टें हैं तो वहाँ पे 10 गुना लिया जाता है प्रीलिम्स के अंदर, तो 1900 बच्चे लगभग सेलेक्ट किए जाएंगे। तो 1900 बच्चे बहुत होते हैं एक स्टेट से सेलेक्ट करने, इतने ज़्यादा अदर स्टेट से बच्चे वहाँ पे नहीं आ पाते हैं। और सबसे ज़्यादा कंपटीशन फाइट करने वाले बच्चे होते हैं वो वेस्ट बंगाल और राजस्थान, दो ही स्टेट ऐसे हैं वेस्ट बंगाल और राजस्थान जहाँ पे कंपटीशन फाइट करने वाले बच्चे सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा कोचिंग सेंटर्स और प्रिपरेशन कराने का जो मोड है वो यहीं जगहों पे है। आप दिल्ली मान सकते हो, दिल्ली, जयपुर और वेस्ट बंगाल तीन जगह हैं यही है जहाँ पे कंपटीशन फाइट करने का सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं बैंकिंग लाइन की अगर बात की जाए। तो आप समझ सकते हो कि बाहर के स्टूडेंट 2-2 हज़ार स्टूडेंट्स किसी दूसरे स्टेट के अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस हिसाब से आप अगर फॉर्म भरना फिल करना चाहो तो जो प्रायोरिटी आपके रहे गुजरात रह सकती है, अगर आप वहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। आप वहाँ पे ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, वहाँ पे गाँव के अंदर आपको जॉब कर रही है तो आप किस तरह से उसको मैनेज करोगे वो चीज़ें देखिए। और दूसरा ऑप्शन जो आता है OBC के लिए जम्मू कश्मीर, वहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाती है। RRBPO लास्ट ईयर की बात करूँ तो 43 नंबर कट ऑफ थी RRBPO की, बहुत कम। जहाँ पे देखिए हिमाचल की 57 नंबर कट ऑफ पर, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो कट ऑफ OBC की 43, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है प्रीलिम्स के अंदर इतना। यानी कोई भी एग्जामिनेशन से अगर 0.25 का डिफरेंस रहता है तो वो भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इतने मार्क्स अगर आपके कम आते हो तो आप हज़ारों बच्चों से पीछे हो जाते हो और उसके बाद आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको मैटर करेगी। आप वैकेंसी देखिए, आप कट ऑफ मत दीजिए किसी भी स्टेट की, कट ऑफ पे आप डिपेंड मत कीजिए कि सर उसकी कट ऑफ कितनी जाती है, कोई पता नहीं है किसकी कट ऑफ कितनी जाएगी। वैकेंसी कम है, स्टूडेंट्स ने कम अप्लाई किया, कट ऑफ कम जा सकती है। वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट कम अप्लाई किए फिर भी कट ऑफ कम जा सकती है। वैकेंसी ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा चले गए तो कट ऑफ आई जाएगी। तो ये सारी डिपेंड करती है कि स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं और पेपर का लेवल क्या होगा। मान लीजिए पेपर का लेवल, अब SBPO आप देख के आए हो, SBA क्लरिकल आप देख के आए हो, दोनों एग्जामिनेशन का लेवल देखिए। SBPO की कट ऑफ देखिए 71 नंबर, कोई भी इतनी एक्सपेक्टेड नहीं कर सकता कि SBPO की कट ऑफ जा सकती है। 71 नंबर कट ऑफ, जो SBPO वही SBPO जिसकी कट ऑफ 2017 में 42 नंबर गई थी प्रीलिम्स की बात की जाए तो, SBPO प्रीलिम्स 2017 की कट ऑफ 42 नंबर के राउंड थी और आज 71 नंबर कट ऑफ जा रही है। तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, वैकेंसीज भी कम हो रही है। उसके बाद कुछ कट ऑफ बढ़ने का मतलब क्या है कि पेपर बहुत ईजी डाला गया था, ईजी पेपर डाला गया था तो कट ऑफ जाना लाजमी है। और SBA क्लरिकल का भी ऐसा ही पेपर था, LICW का ऐसा पेपर था, FCI का ऐसा पेपर था, CWC का ऐसा पेपर था। यानी IGPS ने अभी तक 2019 के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन करवाए हैं सभी का पेपर का लेवल जो था ईजी था। अब CWC की कट ऑफ मैं बता दूँ आपको 90 नंबर गई थी जनरल कैटेगरी की, SBPO की 71, SBA क्लरिकल का रिजल्ट आने वाला है 20 तारीख को, रिजल्ट आ जाएगा 20 जुलाई को, तो उसकी कट ऑफ देख लेना। और इसके साथ RRBPO RRB क्लर्क इनका पेपर भी जी आएगा, पर इनकी कट ऑफ जो है वो हाई रहेगी इस बार। अगर पेपर SBA क्लरिकल लेवल का और SBPO लेवल का पेपर आता है तो इनकी कट ऑफ मैं आपको बता दूँ 65 के राउंड रहेगी
अगर उस लेवल का एग्जामिनेशन का पेपर आता है तो आरआरबी पीओ की कट ऑफ 65 के अराउंड रहेगी, चाहे किसी भी स्टेट में चले जाना आप। ये नहीं है कि सर उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई किया था, वो बाद में वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको एक वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो देखिए स्टूडेंट्स इसमें दिक्कत क्या होती है कि कट ऑफ का कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर फॉर्म फिल किया है वहाँ पे 43 नंबर लास्ट ईयर कट ऑफ पे, इस बार पेपर इजी आ गया और ऐसे स्टूडेंट्स जो रिपीटर्स यानी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टूडेंट वहाँ पे ज़्यादा चले गए, और जो न्यू स्टूडेंट अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट किए वो कम गए, तो वहाँ पे कट ऑफ तो बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि उनको सारी चीज़ें आती होती है और वो एक्यूरेसी के साथ भी अटैम्प्ट करते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको चीज़ें कम आती होती है, फिर उनके अटैम्प्ट कम होते हैं, फिर वो सोचते हैं कि चलो इतने अटैम्प्ट तो अपना सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है इतने अटैम्प्ट में, तो अपने और ज़्यादा अटैम्प्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर फिर वो उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। और जो पहले से प्रिपरेशन करें उनको पता होता है कि अगर अपने 60 हो रहे हैं तो 60 के अंदर सफिशेंट है, रोंग अपने को नहीं करना, एक्यूरेसी मैटर करती है। और सबसे बड़ी स्केलिंग जो होती है वो आरआरबी के अंदर ही होती है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जो एग्जामिनेशन होते हैं स्केलिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर लगाई जाती है। अब आपको एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं स्केलिंग का, आरआरबी क्लरिकल का एग्जामिनेशन जिसका भी है जिसका भी होगा और जिसका भी हो चुका था 2018 के अंदर उसकी बात करती हैं। 2018 के अंदर लास्ट शिफ्ट लास्ट दिन पूरा का पूरा लास्ट दिन आरआरबी क्लरिकल का जिनका भी एग्जामिनेशन था उनके साथ अगर उन्होंने गलती से एक भी क्वेश्चन उनका गलत होता है तो उनके साथ इतनी ज़बरदस्त स्केलिंग की गई थी कि उनके 10 से 15 मार्क्स काट लिए गए थे। तो इतनी स्केलिंग और किसी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलती कि 10 से 15 मार्क्स आपके काट लिए जाएं एक क्वेश्चन के गलत होने पे, तो ये सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक्यूरेसी आपको रखनी है। तो स्टूडेंट्स आप सभी को सारी चीज़ बातें क्लियर हो चुकी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड के साथ पहुंचा दीजिए, क्योंकि 3 तारीख से पहले फॉर्म जरूर फिल करना है क्योंकि बाद में जो ग्लिचेस हो जाए उनसे बचने के लिए आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप बाद में फॉर्म फिल करते हो तो आपकी खुद की रिस्क पर रहेगा, तो ये चीज़ें आप ध्यान पर रखें। और अगर कोई भी डाउट्स रहता है किसी का भी कोई इंडिविजुअली पूछना चाहे तो वो भी अपने डिस्कस कर लेंगे वीडियोज़ के अंदर, कुछ भी किसी को कुछ भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ रहेगी और आगे भी अपने वीडियोज़ बनाते रहेंगे इन चीज़ों पर। तो कट ऑफ जो है वो आप चेक कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे, लास्ट ईयर की जिस भी स्टेट की आप कट ऑफ चेक करना चाहोगे कौन सी स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है कितनी वैकेंसी है, तो वो वीडियोस अपने चैनल पे पड़ा हुआ है। आप सिर्फ चैनल पे आइए और जो वीडियो लिस्ट है उसके अंदर जाके देखिए कि आरआरबी पीओ प्रीलिम्स की कट ऑफ लास्ट ईयर की कितनी थी, आरआरबी पीओ मेंस की कट ऑफ कितनी थी, आरआरबी पीओ फाइनल कट ऑफ कितनी थी, तो वो सारी चीज़ें सारी कट ऑफ्स आपको मिल जाएगी। बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं पहले के, तो वो जाके आप जरूर देखिए। तो और इसी के साथ अनअकैडमी पे जाके फॉलो कीजिए, वहाँ पे जितने भी न्यू टाइप के स्लोक्स वगैरह के क्वेश्चन है वो वहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन आरआरबी के अंदर आपको पता है कि न्यू टाइप के स्लोक्स जो एसबीपीयू एसबी क्लरिकल और जो LICW FCCWC सभी एग्जामिनेशन के अंदर आईपीएस ने पूछे हैं, तो वो आरआरबी पीओ क्लर्क के अंदर आपको छोड़ने वाला नहीं है, उसके अंदर भी वो न्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो सारे अनअकैडमी पे डिस्कस किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अनअकैडमी पे जाकर भी फॉलो कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।